मोकामा के प्राचीन तीर्थ महादेव स्थान के गंगा घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। महाआरती के अवसर पर गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। डॉक्टर गोपाल पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया गंगा महाआरती। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। 30 मई को मोकामा के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। मोकामा के तपस्वी स्थान कमलेश्वर स्थान, पाठक घाट, ब्लॉक घाट, महादेव स्थान, मलिया घाट, सूर्य नारायण मंदिर घाट, सिद्धनाथ घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को आज धरती पर अवतरित किया गया था और इसी अवसर पर गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। मोकामा के महादेव स्थान में संध्या 7 बजे गंगा महाआरती का आयोजन किया गया था। डॉक्टर गोपाल पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। लगभग 1 घंटा चले इस गंगा महाआरती में हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे, जबकि सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालु महाप्रसाद पाकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। इस गंगा महाआरती में हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंचे थे।